हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सिक्यूबस डीमन को, जिसको द क्वीन ऑफ डीमंस भी कहा जाता है। और ये एक सुपर नेचुरल एंटिटी है जो कि फीमेल डीमन है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर आई स्टार्ट अ वीडियो, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शॉट दिखाना चाहता हूँ और आप ये खुद ही देख कर बताओ मुझे कि मेरे साथ सही हो रहा है या गलत। सिर्फ 1.4% ही लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकी 98.6% ऐसे लोग हैं जो कि मेरी वीडियो तो देखते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो फ्रेंड्स, अब मुझ पे आप लोग इतना भी जुल्म ना करो। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ फ्रेंड, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों, सक्यूबस डीमन एक ऐसा डीमन है जो कि एक फीमेल फॉर्म में होता है और ये मर्दों को उनके ख्वाबों में सिड्यूस करता है और मर्दों के साथ जिंसी ज़्यादती भी करता है। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक ईवल एंटिटी है। और अगर आप लोगों को कोई गंदा ख्वाब आता है इंटीमेशन का और आप जब उठते हो तो आपके कपड़े गंदे और गीले होते हैं, तो इन सब के पीछे भी सक्यूबस डीमन ही है। और अगर आप में से किसी भी शख्स को साया या स्लीप पैरालिसिस इसका इशू है तो ये सब भी सिक्यूबस डीमन ही करती है। तो दोस्तों, मैंने स्लीप पैरालिसिस पर भी एक सेपरेट एंड डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी शो हो रहा होगा। खैर, बैक टू द वर्क। और दोस्तों, कहा जाता है कि बार बार सक्यूबस डीमन के साथ इंटीमेट होने पर एक शख्स मर भी सकता है और वो शख्स पागल भी हो जाता है। तो दोस्तों, असल में सक्यूबस डीमन शेप शिफ्टर होती है जो अपने आप को किसी भी शेप में तब्दील कर सकती है। ये अपने आप को एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव सी लड़की की शक्ल में तब्दील कर लेती है और मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित यानी अट्रैक्ट करती है, जिसको देखकर कोई भी शख्स ये पहचान ही नहीं सकता कि ये एक इंसान है या डीमन। और कोई भी इंसान खूबसूरत लड़की को देखकर उसके जाल में फंस ही जाता है। और यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, जिसका फ़ायदा सक्यूबस डीमन उठाती है। और दोस्तों, ये सारी बातें मजाक नहीं है। बाइबल में इसाया चैप्टर 34 और वर्स 14 में भी नाइट क्रिएचर लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है, जिसको फुटनोट्स में ऐसे ही डीमंस के बारे में बताने के लिए लिखा गया है। यानी कि ऐसे नाइट क्रिएचर्स रियलिटी में सर्वाइव करते हैं जो रात को इंसानी नस्ल को तंग करते हैं और हमें इन ईवल एंटिटीज से बचना है। खैर, बैक टू द वर्क। अब दोस्तों, यहाँ सक्यूबस डीमन ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है और जो भी शख्स सक्यूबस डीमन का शिकार बना है वो लोग पागल हो चुके हैं और सक्यूबस डीमन को अपनी वाइफ बताते हैं और कई लोग तो अपनी जान से हाथ भी धो बैठे हैं। और कहा जाता है कि सक्यूबस डीमन का मकसद इंसानी नस्ल को तबाहो बर्बाद करना है, जिसमें लोग पागल होकर खुदा की नाफरमानी करते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं, जिसके बाद सक्यूबस डीमन अपने विक्टिम को जान से मार देती है। और अगर आप लोगों को भी रात को गंदे ख्वाब आते हैं और साया यानी स्लीप पैरालिसिस का भी इशू है, तो आप लोगों को मदद की ज़रूरत है। और ये जो सक्यूबस डीमन शेप शिफ्ट करके जितनी खूबसूरत औरत की शक्ल में तब्दील होती है, हकीकत में ये उतनी ही खौफनाक है। तो दोस्तों, सक्यूबस डीमन से बचने के लिए मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि रोज़ाना सोने से पहले आप लाजमी प्रेयर किया करें और अपना माइंड क्लीन रखें। और अगर आपका सीन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है तो आप लोगों को प्रीस्ट या प्रोफेशनल एग्जॉर्सिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में गाइड भी कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, नेक्स्ट किस हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूँ। तो दोस्तों, आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Thank you.